पवन मामले में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव कूद पड़े थे उस पर फैंस से तमाम राय मांगी थी और फैंस ने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से राय रखी है। फैंस का क्या कुछ कहना है और किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। खेसारी लाल यादव अक्षरा और पवन के मामले में कूद चुके थे और उन्होंने कहा कि मीडिया ही तमाम चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, मीडिया ने ही हाइप दिया है अक्षरा मामले को, क्योंकि अक्षरा और पवन एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसी बीच पवन सिंह ने भी बड़ा खुलासा कर दिया कि बाबू हमेशा से मेरी हीरोइन है, मतलब अक्षरा सिंह हमेशा मेरी हीरोइन है, पहले भी थी और आज भी है, और कोई भी अगर ऐसी गलतफहमी है तो हम मिल बैठ के इन तमाम चीज़ों को सलट सकते हैं, बाहरी दुनिया में हंगामा करने का क्या मतलब है। और अगर हंगामा खरा कटना खुद की कामयाबी से जोड़कर अक्षरा सिंह देख रही हैं तो फिर अगर लंबी रेस का आपको घोड़ा बनना है तो आप अपने संघर्ष से आगे बढ़िए, न कि किसी को बदनाम करके। ये तमाम बातें पवन सिंह ने कही थी। लेकिन अब खेसारी ने जिस तरीके से कदम रखा इन दोनों के रिश्तों में और बीच में उन्होंने जो बोला है उस पर अब फैंस का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। पवन सिंह अक्षरा मामले में जैसे खेसारी लाल यादव कूद पड़े थे और उन्होंने मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली थी, उससे लेकर अब लगातार हंगामा मच गया है। फैंस ने भी अपनी बहुत सारी राय भेजी है, सुझाव भेजे हैं। हम आपको बता दें कि पूरा जो मामला था वो दरअसल ये था कि पवन सिंह और अक्षरा का मामला चल रहा था, विवाद काफी लंबा अरसा था और बताया जा रहा था कि ये जो विवाद है ये काफी बड़ा विवाद है। अक्षरा सिंह ने खुद एक वीडियो रिलीज किया था और उस वीडियो में तमाम बातें कही थी और उस वीडियो के आधार पर हमने वो खबर दिखाई थी अपने दर्शकों को। दर्शकों को ये बताया था कि कैसे पवन सिंह लगातार अक्षरा सिंह के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और इसके बाद अक्षरा सिंह ने कई और खुलासे किए और इस मामले को देखते हुए अक्षरा सिंह के माता पिता भी सामने आए और उन्होंने पवन सिंह को खरी खोटी सुनाई थी और अक्षरा सिंह को कहा था कि मेरी बेटी हमेशा से आगे बढ़ती आई है और आगे बढ़ती रहेगी, किसी के रोकने से वो कभी नहीं रुकेगी। और बिल्कुल ऐसा हुआ भी, अक्षरा सिंह कभी नहीं रुकी, हमेशा ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूती रही। इसी बीच खबर ये भी मिली कि अक्षरा सिंह के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके वीडियोस डाल रहे हैं जिससे वो काफ़ी परेशान हैं, अश्लील वीडियो डालने की वजह से वो काफ़ी हैरान और परेशान हो गई थी। तो उन्होंने मीडिया में एक बार फिर वीडियो रिलीज करते हुए कहा था मेरे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जितने भी प्रोड्यूसर हैं उन्हें मना कर दिया गया है कि अक्षरा के साथ आप कोई भी गाना या फिल्में शूट मत करो। अब इसी मुद्दे पर अक्षरा सिंह काफी गुस्से में आ गई थी और उन्होंने पवन सिंह के खिलाफ मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया था। उसके बाद से पवन सिंह इधर उधर भटक रहे थे। बाद में पवन सिंह का एक बयान आया कि जिसे जो कहना है वो कह ले, मैं जहां हूं वहीं हूं और मैं किसी के कहने पर नहीं आता। और उसके बाद पवन सिंह ने गहरी चुप्पी साध ली थी और वो चुप्पी टूट नहीं रही थी, लेकिन अचानक से वो चुप्पी भी टूटी जब खेसारी लाल यादव कूद गए इन दोनों के मामले में। उसके बाद फैंस ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने कहा कि इस मामले में कुछ नहीं हुआ है, मतलब पवन और अक्षरा के मामले में कुछ भी नहीं हुआ, मीडिया जानबूझकर मामले को बढ़ा रही है, मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, मीडिया तो खबरों को दिखा रही है, वीडियो रिलीज मीडिया ने नहीं किया। वीडियो जब तक सामने नहीं आया तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा था। जब वीडियो खुद अक्षरा सिंह ने जारी किया और मीडिया से गुहार लगाई अपनी जान की, तब जाकर तमाम मीडिया वाले सामने आए और इन तमाम मुद्दों पर कई तरीके की बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है फैंस ने ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि खेसारी लाल के भी कई फैंस हैं जिन्होंने कई तरीके की बातें कही हैं, मीडिया पर भी कई आरोप लगे हैं। संतोष कुमार खेसारी लाल यादव के फैंस बताए जा रहे हैं और खेसारी सही बोल रहे हैं ऐसा इनका कहना है और मीडिया झूठी है। खेसारी लाल यादव का भी यही कहना है कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो झूठे हैं। मीडिया को झूठ कहना ये कितना सही है ये आप दर्शक हैं, आप सही तरीके से समझ सकते हैं। वहीं अजय कुमार का कहना है जय हो अक्षरा जी, मतलब अक्षरा सही है। इसके अलावा नीरज कुमार गुप्ता ने कहा है कि एकदम सही बोले खेसारी भाई। खेसारी भाई के ये बहुत बड़े फैन हैं नीरज कुमार गुप्ता और इन्होंने ये कमेंट किया है और
उनका सपोर्ट किया है। उसी तरीके से विश्व रंजन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्रियल की जय हो कहा है और खेसारी भैया मैं जो बात बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, ऐसा नकुल जी का कहना है। तो नकुल, विश्व रंजन और नीरज, ये तमाम ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने उनकी बातों को सपोर्ट किया है। तो कुछ लोगों ने, जैसे अजय ने अक्षरा सिंह को सपोर्ट किया है। अब इस मामले में कौन सही है कौन गलत है ये तो आप ही को तय करना है, क्योंकि हम तो उस वीडियो के जरिए खबरें दिखा रहे थे। और एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि जब तक आग लगी नहीं तब तक धुआं उठा कैसे। खैर, अब तो खुद पवन सिंह सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए अक्षरा सिंह इस तरीके से कर रही है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की बातें करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अक्षरा नाम की जितनी लड़कियां हैं सबकी बदनामी होंगी और उन पर से भरोसा उठ जाएगा। और भी बहुत कुछ बातें कही और फूट फूट कर रोए पवन सिंह। दर्शकों की राय क्या है हमने आपको बता दी, अब एक बार फिर से अपनी राय लिख भेजिए, हमको आपकी तमाम सुझावों का रहता है इंतजार। तो मीडिया पर आखिर क्यों भड़के खेसारी लाल ये तो आप जान ही चुके, और उस पर क्या है फैंस की राय ये भी हमने आपको बता दिया। अब एक बार फिर से आपकी प्रतिक्रिया की है जरूरत, तो जल्दी से नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया को अपने सुझाव दीजिए। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, कोई खेसारी के साथ नजर आ रहा है तो कोई पवन सिंह के साथ। खेसारी लाल यादव का कहना है कि मीडिया ने अक्षरा पवन मामले को राय का पहाड़ बना दिया, तिल का तार बना दिया। लेकिन कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि पवन सिंह सही है, तो कुछ लोग अक्षरा को सही कहते हैं कि भैया जिसने इनके साथ ज्यादती की उसे बर्दाश्त नहीं किया, दुनिया के समक्ष रख दिया जिससे कि और लड़कियों को बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पवन सिंह की अगर हम बात सुने तो वो कहते हैं कि अक्षरा ने जिस तरीके से हंगामा किया, अक्षरा नाम की तमाम लड़कियों की बदनामी हुई है और खेसारी लाल यादव तमाम ठीकरा मीडिया पर फोड़ रहे हैं। भैया जब तक आग लगेगी नहीं धुआं कहां से उठेगा। खैर, फैंस ने अपनी राय रख दी है, हमने आपको बता दिया अपनी इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ निकलकर सामने आया है। हमने पूरी निष्पक्षता के साथ इस खबर को दिखाया है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया का मकसद बस खबर देना है, ना कि किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में पड़ना है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर सुझाव दें। नमस्कार।